back and I'm again here with the same story, the 100 dresses. और मैंने आपको वादा किया था कि मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगा जो CBSE में क्लास 10 की इंग्लिश सिलेबस के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उन पे वीडियो लेसन्स आपको मैं दूंगा. और अंग्रेजी में द 100 ड्रेसेस कहानी पे जो हमने दो वीडियोस बनाए हैं वो आपके लिए उपलब्ध है यूट्यूब, मेरे यूट्यूब चैनल पे. और ये वीडियो उसी कहानी पे मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अंग्रेजी में लिख तो सकते हैं लेकिन जिन्हें लेक्चर्स को, टीचर्स के लेक्चर्स को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है. तो हो सकता है उसी चीज को अगर हिंदी में एक्सप्लेन किया जाए तो वो ज्यादा आसानी से समझ सके. तो आइए हम शुरू करते हैं आज की कहानी, द 100 ड्रेसेस. कहानियां किसे नहीं अच्छी लगती, कहानियां रोचक होती हैं और इस संसार को समझने के नए दरवाजे खोलती हैं. जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हम इस पूरे जगत को, इस पूरी दुनिया को, इस पूरे वर्ल्ड को उस लेखक की निगाह से देखते हैं. बहुत सारे परत खुलते हैं हमारे सामने इस दुनिया के और हम उन चीजों को देख पाते हैं जिन्हें हम अपनी आम निगाहों से, आम ऑब्जर्वेशन से, आम अवलोकन से नहीं देख पाते थे. तो जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं उसमें उसके कई पार्ट होते हैं जिसको समझना जरूरी होता है पूरी कहानी को समझने के लिए. सबसे पहले तो उस आदमी के बारे में जिसने उस कहानी की रचना की है, जैसे उसका राइटर, और फिर वो उन मुख्य भावों के बारे में, उन थीम्स के बारे में जो उस कहानी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी, और फिर उन कैरेक्टर्स के बारे में जिनको लेके वो कहानी गढ़ी गई, जो प्लॉट तैयार किया गया, जिन्होंने उस संवाद को, उस कहानी को आप तक पहुंचाने में बड़ी मदद की, लेखक की. तो ऑल दीज पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और सबसे पहले हम बात करेंगे उस कहानी की लेखिका एलेनर एस्टिस की. तो हमारी कहानी का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है 100 ड्रेसेस. प्यारी सी कहानी है और जैसे कि आप जानते ही हैं जो हमारी लेखिका है, इट इज एलेनर एस्टिस, नेम ऑफ द राइटर. इनका जन्म, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, 1906 में हुआ, 1988 तक जीवित रही. और जो इनका बर्थ प्लेस था वो था कनेक्टिकट. कनेक्टिकट के बारे में कल के वीडियो में भी हम काफी बातें कर चुके हैं. ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके दक्षिण का एक राज्य है. और उसी राज्य के कुछ छोटे छोटे रूरल सेटअप्स हैं, ग्रामीण सेटअप्स हैं, छोटे छोटे कस्बाई शहर हैं, उन्हीं में से किसी एक में ये कहानी घटित हुई थी. और कहते हैं कि ये कहानी उस लेखिका के खुद के एक्सपीरियंस का ट्रू अकाउंट है. यानी उस लेखिका ने अपने स्कूल पीरियड में जो महसूस किया, जो देखा, जो झेला, उसको उसने इसमें पिरोया है, कहानी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है. इसके तीन पात्र हैं, हम तीनों पात्रों पर विस्तार से चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले अभी थोड़ी और बातें इस लेखिका के बारे में जान लेते हैं. आपने इनका जन्म स्थान जान लिया कनेक्टिकट के बारे में. और चिल्ड्रंस ऑथर, यानी बच्चों के लिए लिखती रही है ये, चिल्ड्रंस राइटर यू कैन से, अमेरिका से रही है. और इनका चिल्ड्रंस लिटरेचर को एनरिच करने में, उसको समृद्ध करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है. और इनकी एक कृति खास तौर से, जिसका नाम जिंजर पायर था, उसकी चर्चा मैं यहां करना चाहूंगा क्योंकि इस कृति के लिए उन्हें न्यूबेरी मेडल मिला था. एक पुरस्कार होता है जो इन्हें प्रदान किया गया था. और ये मेडल जॉन न्यूबेरी के नाम पे शुरू हुआ था, जो कि ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चों के लिए कहानियों किताब शुरू की थी अमेरिका में. तो उनके नाम पर यह पुरस्कार इस कृति के लिए हमारी लेखिका एलेनर एस्टिस को मिला. और उन्होंने इसके साथ साथ अन्य बहुत सी कीमती, बहुत ही खूबसूरत, रोचक कहानियां लिखी. और सबकी जो विशेषता है वो आम जीवन से जुड़ी हुई बातों को बड़े प्यार से उभारना, जबरदस्त कैरेक्टराइजेशन, यानी चरित्र इतने शानदार, पात्र इतने शानदार, और उनको कहानी में पिरोया इतने खूबसूरत तरीके से गया कि आपको बस मजा आ जाए. और जो पाठक है, रीडर है, वो बहुत डीपली कनेक्टेड होता है, बहुत गहराई से जुड़ता है उन पात्रों से, उसे वो पात्र अपने मन के बहुत निकट लगते हैं. तो ये विशेषता किसी महान लेखक की होती है, लेखिका की होती है. और इन कसौटियों पे हम एलेनर एस्टिस को एक महान लेखिका कह सकते हैं. और एक लेखिका होने के साथ साथ, एक राइटर होने के साथ साथ, वो एक लाइब्रेरियन भी थी. उन्होंने अमेरिका में
जो कनेक्टिकट में न्यू हेवेंस पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें चिल्ड्रन डिवीजन को ज्वाइन किया था, और 1928 आते आते उसकी हेड बन गई, चीफ बन गई उसकी, और उन्होंने बहुत काम किया इस क्षेत्र में। 1932 में उन्होंने राइस एस्टेस नामक व्यक्ति से विवाह किया, और उनका पूरा जीवन बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही अंशदानपूर्ण, यानी बहुत ही साहित्य के लिए जबरदस्त योगदान रहा है उनका। तो ये थी हमारे लेखिका, अब इनकी कहानी के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, हम कहानी के साथ साथ पैरेलली जो इस कहानी में थीम पिरोए गए हैं, जो मुख्य भाव हैं जिनको कहानी के माध्यम से लेखक आप तक पहुंचाना चाहता है, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए हम अब बात करते हैं कहानी की और उस पर बेस्ट थीम्स की। दोस्तों, हमारी कहानी द 100 ड्रेसेस सोमवार की एक खूबसूरत सुबह को शुरू होती है, वी कैन कॉल इट मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह। और कहानी शुरू कैसे होती है, एक जबरदस्त थीम है इसमें, सोशल आइसोलेशन का, यानी सामाजिक विलगाव का, अलगाव का, पृथककरण का, बिल्कुल अलग थलग हो जाना। कहानी की शुरुआत यूं होती है, मंडे मॉर्निंग है, स्कूल शुरू हो चुका है, लेकिन वांडा पेट्रॉन्स की जो कहानी की नायिका है वो नहीं आई है, उसकी सीट खाली है, वो कहाँ बैठती है, रूम नंबर 13 उसका क्लासरूम है, रूम नंबर 13 कहाँ बैठती है, सबसे पीछे, सेकेंड लास्ट बेंच पे। किसके साथ? उन लड़कों के साथ जो हल्ला गुल्ला करते हैं, गंदे पैरों से आते हैं, धूल बिखरी होती है फर्श पर उनके आसपास, हर किसी मजेदार बात पे जोर से ठहाके लगाते हैं, विसल मारते हैं, शोर शराबे वाले लड़के हैं, स्कूल में उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, उनके साथ बैठती है। लेकिन क्या इसलिए कि वो भी वैसी ही लड़की है, पढ़ती नहीं है? लेकिन नहीं, शी इज अ वेरी गुड गर्ल, शाय, इंट्रोवर्ट, काम, doesn't talk to anyone, but she is good at studies even. फिर वो आगे क्यों नहीं बैठती? क्योंकि वो जहां से आती है उस जगह का नाम है Boggins Heights, और इस कहानी में इस जगह की बहुत अहमियत है। ये कहानी एक impoverished इलाका है, ऐसा इलाका जहां Polish immigrants रहते हैं। दोस्तों, अमेरिका में जो Polish लोग थे उस समय, Polish चूंकि जो रिपब्लिक बना नहीं था, तो ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से, रूस से, बहुत जगह से जो पोलिश इमिग्रेंट्स थे, जो अप्रवासी थे, वो आए 1700 के शुरुआती दौर में। और फिर एक बड़ा जत्था उनका जिसमें 10 लाख से ज़्यादा पोल्स शामिल थे, वो लोग 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आए। उसमें अधिकांश गरीब थे, मजदूर थे, अशक्त थे, और बेहतर जीवन की तलाश में आए होंगे, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था अमेरिका में। उन्हीं में से एक था वांडा पेट्रॉन्स की, जो हमारी नायिका है कहानी का, उसका परिवार, और वो Boggins Heights में रहते थे, जो ऑलमोस्ट स्लम एरिया था, एक मलिन बस्ती जैसी जगह थी, छोटे छोटे घर थे जहां सुविधाओं का अभाव हुआ करता था। एक रास्ता था जो रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चल के स्कूल के आसपास तक आता था, ओलिवर स्ट्रीट किसे होते हुए, जो बिल्कुल डर्ट ट्रैक था, कीचड़ धूल उन रास्तों में बिखरी होती थी। तो उस रास्ते से वांडा पेट्रॉन्स की पैदल चल के स्कूल आती थी, उसके पैरों में धूल कीचड़ लग जाता, और वो नहीं चाहती स्कूल में आगे का फर्श गंदा हो, उसे लोग उस निगाह से देखें, वो चुपचाप शांत पीछे बैठती थी जाके। तो सोमवार की सुबह किसी ने नोटिस नहीं किया वांडा पेट्रॉन्स की नहीं आई, सोशल आइसोलेशन। और फिर आप कहानी में देखेंगे आगे भी वो बहुत अलग थलग सी रहती है, लड़कियां उसको बिल्कुल भाव नहीं देती, उससे कोई बात नहीं करता, दोस्ती नहीं करता, बिल्कुल आइसोलेटेड। तो सोशल आइसोलेशन का जबरदस्त एक्सपीरियंस आपको इस कहानी में होगा। क्यों? क्योंकि वो पोलिश बैकग्राउंड से है। क्यों? उसका एक लंबा सा नाम है जो पोलिश लोगों का होता है, अमेरिका में जो एंग्लोफोन नेम्स होते हैं, हल्के छोटे, कैथी, बर्टी, पेटी एटसेट्रा, कहने में आसान, सुनने में आसान, बट पोलिश पीपल दे हैव लॉन्ग नेम्स, लाइक इन इंडिया ऑल्सो, इन साउथ इंडिया एंड सम वेस्टर्न पार्ट ऑल्सो, वी हैव पीपल हैविंग देयर फादर्स नेम, ग्रैंड फादर्स नेम, बी जस्ट गेटिंग अटैच टू देयर ओन नेम्स, सचिन रमेश तेंदुलकर, रमेश तेंदुलकर फादर, सचिन तेंदुलकर सन, एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर इज द ग्रैंड फादर, जैनुल आबिदीन इज द फादर, अब्दुल कलाम इज द पर्सन, फाइन। सो दिस वे, ये हर जगह का अलग अलग ट्रेडिशन होता है हर कल्चर का, तो पोलिश लोगों के लंबे नाम होते हैं। वांडा पेट्रॉन्स की सुनने में थोड़ा इन लोगों को, अमेरिकन लड़कियों को, लड़कों को अजीब सा लगता है,
और इस कारण वो स्टैंड आउट होती है, बिल्कुल भीड़ से अलग थलग हो जाती है, सोशल आइसोलेशन, गरीब है वो एक दूसरी चीज है। एक पॉवर्टी का भी जबरदस्त थीम है इस कहानी में, पॉवर्टी जो रन करती है साथ साथ, क्योंकि वांडा पेट्रॉन्स की पुअर है इसलिए लड़कियां उसे भाव नहीं देती, उसके साथ मेलजोल नहीं रखती। पॉवर्टी इज अ सिन, बड़े बड़े लोगों ने कहा है गरीबी सबसे बड़ा पाप है, इससे निकलने की हर पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। वांडा का परिवार भी कर ही रहा होगा, बट दीज वर द सर्कमस्टेंसेस, दे कुडंट अवॉइड इट, वो गरीब लोग थे तो उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं थी सोसाइटी में, वांडा का स्कूल में कहीं नहीं था। एक और जबरदस्त कैरेक्टर है मैडलिन या मैटी, जो पेगी की दोस्त है। पेगी वो लड़की जो अपने आप को क्लास की हीरोइन समझती है, सबसे लोकप्रिय है, अमीर है, अच्छे ड्रेसेस पहनती है, खूबसूरत है, अच्छा स्कोर करती है, अच्छी पेंटर है, तो लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती हैं। तो ये सब कैरेक्टर्स हमारे हैं, उसमें मैडी जो है वो भी गरीब है, तो उस गरीबी के कारण उसमें हिम्मत नहीं है कि उन बुलीज को, उन सताने वालों को फेस कर सके जो वांडा को तंग करते हैं। उसके पोलिश बैकग्राउंड, गरीबी, इंट्रोवर्ट नेचर, लंबे नाम, इन तमाम चीजों के कारण से और उसकी एक स्टेटमेंट के कारण से। तो एक जो थीम है वो सोशल आइसोलेशन का है, दूसरा थीम पॉवर्टी का है, और वैसे ही तीसरा एक जबरदस्त थीम आपको बुलिंग का भी मिलेगा। बुलिंग से मेरा मतलब है किसी को सताना या धौंस जमाना या उनको इस तरह से डराना। तो यहां सताने के अर्थ में आप इस शब्द का अर्थ लगा सकते हैं बुलिंग का। पूरे कहानी मिलेगी आपको, वांडा को लड़कियां किस तरह से तंग करती हैं, पेगी किस तरह से तंग करती है, उसकी फ्रेंड्स कैसे तंग करती हैं, रोज बुलिंग, रैगिंग, टॉन्टिंग, जाइबी, लाइफ इज ए हेल इन दिस स्कूल। तो ये स्थिति है इस कहानी में, अनुमान कर सकते हैं कितनी जबरदस्त बात है। बुलिंग का एक थीम है, पॉवर्टी की दूसरी है, सोशल आइसोलेशन। तो वांडा इज मिस्ड, नॉट मिस्ड इन द क्लास बिकॉज नोबडी मार्क्स हर एब्सेंस, किसी को ध्यान ही नहीं जाता, वाई नहीं है, विचित्र बात है ना। लड़कियां उसे इंटरेक्ट कब करती हैं, स्कूल के बाहर, क्लासरूम के बाहर, जब वो स्कूल आ रही होती हैं या फिर जब वो दोपहर के बाद लौट रही होती हैं, तब क्यों? उसने एक स्टेटमेंट दिया था, कब दिया था मैं आपको बताऊंगा कहानी में आगे। तो शी इज मिसिंग द स्कूल एंड दिस इज वेंसडे मॉर्निंग। एक और जबरदस्त थीम बहुत ही आयरोनिकल अंदाज में, विडंबनापूर्ण अंदाज में आपको मिलेगा, वो है इक्वालिटी, यानी समानता। ये चौथा थीम है आपको समानता का। बुधवार को पेगी और मैडी, ये जो दो लड़कियां हैं जो अहम किरदार है इसमें, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, दे आर वेटिंग आउटसाइड दिस स्कूल कैंपस ऑन द ओलिवर स्ट्रीट, जहां वांडा के घर से रास्ता रेलवे ट्रैक किनारे किनारे आके मिलता है। What are doing there? क्या कर रही है वहां? वो इंतजार कर रही है वांडा पेट्रॉन्स्की का, आए हम उसका मजाक उड़ाएं। और फिर मैडी याद करती है, मैडी भी ये सब अच्छा नहीं लगता, शी इज अ गुड गर्ल एट हार्ट, शी डजंट वांट पेगी टू बी सो क्रूअल टू वांडा, वो नहीं चाहती वांडा के प्रति इतना क्रूर रवैया पेगी का हो, बट वो कुछ कर नहीं पाती, वो भी गरीब है। गरीबी पॉवर्टी का जबरदस्त थीम है इस कहानी में। वो एक बार एक नोट भी लिखती है, चूंकि ये सब चीजें उसे अच्छी नहीं लगती, वो खुद डायरेक्टली कह नहीं सकती, डर लगता है उसे, गरीब को डर लगता है, उसकी स्टैंडिंग नहीं होती, हिम्मत नहीं होती उसमें आमतौर पे, मैं हम सबकी बात नहीं करता। और वो मैडी भी नहीं कह पाती, उसने एक बार एक नोट लिखा कि दे देंगे, बताएंगे ऐसा करना ठीक नहीं है, बट उसे लगा कि मैं भी तो गरीब ही हूं, मैं भी वो दूसरों के दिए कपड़े, हैंड मी डाउन ड्रेसेस पहनती हूँ, कई कपड़े उसमें पेगी के होते हैं, हालांकि मेरी माँ बहुत चालाकी से छिपा के उसको डिजाइन करके सिल देती हैं, शायद पहचाने ना जाने पाए, लेकिन अगर पहचान गई तो, अगर उसका नेक्स्ट टारगेट मैं हुआ तो, उन लड़कियों का नेक्स्ट टारगेट मैं हुई तो, डर जाती है वो, हिम्मत नहीं होती जाके कुछ कहे, नोट फाड़ के फेंक देती है। तो एक गरीबी का थीम है। तो मैरी याद करती है कि सब कैसे शुरू हुआ। अक्टूबर के बड़े खूबसूरत दिन थे, ब्यूटीफुल अक्टूबर मॉर्निंग, सेसिल वॉज अ गर्ल, सेसिल नाम की एक लड़की अपने खूबसूरत रेड ड्रेस, जो लाल ड्रेस है वो दिखा रही है लड़कियों को, लड़कियां अप्रिशिएट कर रही है। वांडा कम्स अराउंड विद हर ब्रदर्स, यंगर ब्रदर जैकब, जैकब वहां पढ़ता नहीं, स्कूल में कुछ और जॉब्स करता है, छोटे छोटे काम करता है, गरीब है वो लोग। जैकब आगे बढ़ जाता है, वांडा वहीं खड़ी रह जाती है, और उसके बाद उसके मुंह से अनायास एक बात निकल जाती है, वो झूठ नहीं कहती, मैं बताऊंगा इस पे आगे। वो कहती है कि आई डू हैव 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, दिस इज रियली शॉकिंग स्टेटमेंट फॉर गर्ल्स। लड़कियां चौंक जाती हैं, 100, जनरली नोबडी हैज 100, इवन रिच गर्ल्स।
तो वो चौक जाती है। उसमें एक लड़की है, बेगी, मैंने बताया था, बड़ी दुष्ट, अमीर है, अच्छे कपड़े हैं उसके पास, खूबसूरत है, कर्ली हेयर है, पढ़ने में अच्छी है, लड़कियों को मैं लीडर है। तो उसे लगता है कि अरे मेरे सामने ऐसी हिमाकत उसने की, गरीब है, एक ही ड्रेस पहन के आती है वांडा, फेडेड ब्लू ड्रेस, बार बार आपको मिलेगा, एक हल्का सा मुरझाया हुआ सा ब्लू रंग का एक ड्रेस है, एक ही ड्रेस रोज पहनती है, ठीक से उस पर प्रेस नहीं होता, आयरन नहीं होता, नॉट वेल आयर्नड, और तो और वो इल फिटिंग भी है, अच्छे से फिट नहीं करता उसको, बट शी कम्स इन द सेम ड्रेस एवरी डे, बट देयर इज वन थिंग, इट्स वेरी क्लीन, इट थ्रोज सम लाइट अपॉन वांडास कैरेक्टर, की वो लड़की गरीबी में भी साफ सुथरा रखती है खुद को, नीट एंड क्लीन ड्रेस, दो नॉट वेल प्रेस्ड, नॉट वेल फिटिंग, तो वो उस ब्लू ड्रेस में आती है। वैसी गरीब लड़की ऐसी हिमाकत करे, कह दे मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, फिर वो गेम शुरू होता है, पेगी उसको टारगेट बना लेती है और वो रोज मजाक में उसे पूछती है अपनी लड़कियों के साथ, दोस्तों के साथ, ओके सो वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैव इन योर क्लोजेट, तुम्हारे अलमारी में कितने ड्रेस हैं तुम्हारे पास, वो कहती है ऑल 100 ब्यूटीफुल लाइंड अप। किस दिन कोई पूछता है अच्छा कितने जूते हैं तुम्हारे पास, कितने पेयर्स, 60 पेयर्स, ऑल डिफरेंट, ऑल लाइंड अप। Somebody would ask someday, how many hats you have, Wanda? और वो बोलती 70। These replies, girls didn't say anything, they behaved with extra politeness, like they were talking to their class teacher. That just in a mocking tone, that is a mocking politeness, बिल्कुल मजाक उड़ाने वाली विनम्रता है उनकी ये, तो बिल्कुल mocking politeness उससे मजाक करती हैं, मुंह पर तो कुछ ज्यादा नहीं कहती, but when she goes off from there, they start, they burst into laughter, जोर जोर से हंस पड़ती हैं, वही हंसी चीख पुकार कुछ मजाक उड़ाने की, वांडा के कान में पड़ती है, and she is sorry but can't say anything. तो ये वांडा की कहानी है, सोशल आइसोलेशन, बुलिंग और इक्वालिटी का जो विडम्बनापूर्ण थीम है मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। देन कम्स वेंसडे मॉर्निंग, वेंसडे मॉर्निंग को अभी तक तो सोमवार मंगलवार बीत गया है, मंडे ट्यूजडे कोई नोटिस नहीं किया, वांडा नहीं आती, वेंसडे को दे हैव जस्ट स्टॉप्ड वेयर ऑन द ओलिवर स्ट्रीट, वहां से वो रास्ता मिलता है जहां से वो बॉगिंस हाइट से वांडा पेट्रॉन्स की आती है, और इंतजार करते हैं वो लोग उसका, क्यों, ताकि उसका मजाक उड़ा सके, बट उस दिन भी वांडा नहीं आती, और उसके इंतजार करने के चक्कर में दे गेट लेट, दे एंटर द क्लास लेट, रोज सुबह उस क्लास में सारी लड़कियां एक स्वर में, लड़के एक स्वर में, एक यूनिसन में गेटिसबर्ग स्पीच पढ़ते हैं। गेटिसबर्ग स्पीच क्या है? इट वॉज डिलीवर्ड बाई अब्राहम लिंकन, ग्रेट अब्राहम लिंकन ने स्पीच को दिया था, कब, 1863 में, इट सेंटर्स अपॉन द थीम ऑफ इक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका के संविधान में जो समानता की बात है ये उसको लेके है, और उसमें ऑल मेन आर इक्वल, इस तरह की भावना व्यक्त की गई है। द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज, विडंबना देखिए कि ये इतना अच्छा मैसेज इक्वालिटी का, रोज सुबह लड़कियां जोर से पढ़ती हैं, एक साथ मिलकर पढ़ती है, मगर किसी के दिमाग में ये संदेश जाता नहीं है, गया होता दे वुड नॉट हैव डन ऑल दैट बुलिंग, उन्होंने उस वांडा के साथ बुलिंग किया नहीं होता कभी, बट वो रोज करती है। ये आयरनी है, ये जो इक्वालिटी का जो थीम है वो आयरनी क्रिएट करता है, उसको आप देखेंगे। और एक थीम साथ साथ चलता है रिमोर्स का, यानी दिस इज द फिफ्थ थीम, रिमोर्स, सॉरी दिस इज रिमोर्स, मैरीज हार्ट इज फिल्ड विथ रिमोर्स फॉर वट एवर पेगी डज टू वांडा एंड द गर्ल्स डू टू वांडा, उसको लगता है कि पेगी को ये सब करना नहीं चाहिए, पेगी से अलग नहीं हो सकती, इनसेपरेबल फ्रेंड शी इज, तो दुखी तो बहुत है, चाहती है कि पेगी को रोके, लेकिन पेगी से अलग नहीं हो सकती, क्यों, एक तो गरीब है, डर लगता है, टारगेटेड हो सकती है खुद भी, दूसरा पेगी अमीर है, उसकी क्लास में स्टैंडिंग है, वो हीरोइन ऑफ द क्लास है, उसकी बात का वजन है, लड़कियां उसको फॉलो करती हैं, तो अगर चुनाव की बात आए, एनी वर्ल्डली वाइज पर्सन, जो दुनियादार होशियार है, वो एक ऐसे आदमी को नहीं चुनेगा जब तक कि वो बहुत न्यायप्रिय नहीं हो, जो वांडा पेट्रॉन्स्की जैसे आदमी को नहीं चुनेगा, जिसे कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं है, कोई क्लास में वेट नहीं है, कोई दोस्ती करता नहीं उससे, कोई उसके एब्सेंस तक को मार्क नहीं करता, तो वो उसको न चुन के पेगी को चुनती है, जो कि सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन इन द क्लास है। नेचुरल है, ये आम दुनिया में बहुत नेचुरल है, अच्छे और एक्सेप्शनल लोग बहुत कम होते हैं जो उसको चुनते हैं, पूरी दुनिया के खिलाफ जाके भी, जो वाकई ठीक होता है, जस्ट होता है,
तो मैडी बेचारी नहीं चाहती ऐसा हो, वो पिगी को रोकना चाहती है, हिम्मत नहीं है रोके। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी है, गरीबी है। तो ये जो पॉवर्टी का थीम है, सोशल और रिमोर्स तो है ही, जो रिमोर्स का है, सोशल रिकॉन्सिलिएशन है, अलग थलग लड़कियां सुखी रखती हैं, उस लड़की वन रखो। तो ऑल दीज थीम्स गो टुगेदर इन द स्टोरी। तो मैली याद कर रही है कि सेसिल के ड्रेस की चर्चा के समय कैसे वांडा उसके शिकार हो गई अपने एक स्टेटमेंट के कारण, कि आई हैव गॉट 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप। तब से कहानी चल रही है। खैर, अगला दिन आता है और उस दिन भी वो जो जो मैडी है वो सोच रही है कि कल रिजल्ट का डे है, क्लास टीचर विल अनाउंस द रिजल्ट ऑफ द ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन, एंड द थीम फॉर द गर्ल्स वाज द ड्रेस डिजाइंस, डिफरेंट ड्रेस डिजाइंस, फॉर द बॉयज वाज डिजाइनिंग द मोटर बोट की डिजाइन करना। तो शी कीप्स थिंकिंग, सोचती है कि किसको प्राइज मिलेगा, पता नहीं, शायद पेगी को ही मिले, शी इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, क्योंकि वो ड्रॉ कर सकती है और जो हॉलीवुड के स्टार्स हैं उनके चेहरे को इस तरह ड्रॉ करती है, क्योंकि रिकॉग्नाइज देम कि ये वो है, वेरी बिग थिंग। तो लोगों को लगता है स्मार्ट, ब्यूटीफुल, रिच, टैलेंटेड, गुड आर्टिस्ट, शी विल विन द कॉम्पिटिशन। मैडी को भी लगता है। दिन बीत जाता है, अगले दिन आता है, बारिश हो रही है, अंडर वन अम्ब्रेला दे कम टू स्कूल, अंडर पेगीज अम्ब्रेला मैडी कम्स देयर, दे डोंट वेट फॉर वांडा, क्योंकि बारिश हो रही है, एंड देयर इज वन मोर रीजन, उनको जल्दी पहुंचना है। क्यों पहुंचना है? क्योंकि उन्हें रिजल्ट सुनना है कि आखिर जीता कौन। मैडी कहती है कि तुम ही जीतोगी, पेगी पेगी कहती चलो देखते हैं। बट वेन दे एंटर द क्लास दे आर कंप्लीटली शॉक्ड, बिल्कुल चकित रह जाते हैं वो, क्योंकि पूरी कक्षा में ऑन एवरी वॉल, एवरी कॉर्नर, एवरीवेयर देर आर पिक्चर्स हैंगिंग अप, वॉल ऑफ ब्यूटिफुल एक्सक्विजिट डिजाइन, शानदार डिजाइनों के की तस्वीरें, एक से एक, चटक रंगों से भरपूर, इतने खूबसूरत पूछो मत। सारे लड़के लड़कियां देख रहे होते हैं घूम घूम के, ये भी शॉक्ड है, देखती है कौन किसने किया। मिस मेजन कम्स, शी अनाउंसेस द नेम ऑफ द विनर फॉर द बॉयज, जेक समथिंग इज द नेम, जेक बिगिंस ऑफ समथिंग इज द नेम, फॉर गर्ल्स शी सेज द क्लास इज प्राउड टू अनाउंस द नेम ऑफ वांडा पेंट्रोंस्की, बिकॉज शी वॉज द विनर ऑफ दैट डे कॉम्पिटिशन। And all these 100 dresses, all these dresses that are hanging in the class comes to know they have been created, the designs have been created by Wanda Petronsky. Such a beautiful painter she is, such a great artist she is, all. And Miss Mason says ki, the experts are of the opinion, the judges are of the opinion, judges ki ye raay hai, ki any one of the paintings is enough to win her the first prize. And all are exquisite, brilliant. They are shocked. They are just moving around, having a look at all those designs, vivid designs, beautiful designs in all the corner of the class. कितनी बड़ी बात है, सोचना जरा। तभी एक छोटा सा चिट प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मेजन के पास आता है, एंड शी ओपन्स इट दैट दिस इज वांडास फादर्स लेटर। देखती है, उसके चेहरे पर गंभीरता सी आती है, चश्मा ठीक करती है, सोचती है, फिर वो लेटर पढ़ के बच्चों को सुनाती है। उसमें वांडा के पिता ने लिखा है क्या, कि ही इज माइग्रेटिंग टू सम बिग सिटी, बड़े शहर को माइग्रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं था, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जो बुलिंग हुई, दैट वॉज रियली नॉट गुड, और इसलिए वांडा आप कभी आपके स्कूल नहीं आएगी, वो क्लास टीचर को बताते हैं अपनी चिट्ठी में। और वो आशा करते हैं कि इन दैट बिग सिटी, उस बड़े शहर में उनकी बेटी के साथ, उनके बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होगा, शायद लोग वहाँ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखे, लोगों को बुली नहीं करते। एक बड़ा तमाचा है क्लास के मुंह पे, सारे लोग शॉक्ड हैं। वो जो आश्चर्य का माहौल था, वो अप्रिसिएशन का, खुशी का माहौल, वो गम में बदल जाता है। ये पूरे क्लास पर एक आक्षेप है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। मिस मेजन दो ट्राइज टू जस्ट ब्रिंग द लेवल ऑफ शॉक डाउन, वो चाहती है कि ये शॉक इतना ना हो, कहती है कि आई डोंट थिंक इट वॉज इंटेंशनल, बट इट शुड नॉट हैव हैपेंड, गर्ल्स शुड थिंक अबाउट इट। खैर, क्लास में शॉक का दौर जारी है, गम का दौर जारी है। ओके, they are all filled with remorse, especially Peggy is even filled with remorse. After that study period is there, Maddie is not able to concentrate, she feels very bad, she has some feeling in her stomach, disturbed, completely disturbed. Khair, school khatam hota hai, ladkiyan ghar ja rahi hoti hai, aur Peggy ke man mein bhi chal raha hai, though she doesn't express, wo bhi chahti hai ki wo iska parishkar hona chahiye. To ek aap रिकॉन्सिलिएशन का थीम देखेंगे। ये मैडी के मन में भी बात होती है कि वांडा से मिलके मेल मिलाप करके मामले का निपटारा कर लेते हैं। कई बार उठती है ये बात, वो कर नहीं पाती, अलग चीज है, मिल नहीं पाती, अलग चीज है।
पेगी सोचती है चलो, कहती है कि चलो चल के देखते हैं वो लड़की चली तो नहीं कि बगिन साइड से, और वो दोनों मैडी खुश हो जाती है कि चलो पेगी के मन में यही चल रहा है, इसका मतलब शी इज ऑल्सो रिपेंटिंग, लेट अस गो एंड से सॉरी एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। एंड इन दैट आफ्टरनून दे मूव टूवर्ड्स बगिन साइड, शाम हो जाती है वो पहुंचते हैं जब वहां छोटे छोटे इम्पावरिश्ड हाउसेस जहां सुविधाओं की भयंकर कमी, शबी काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, लेकिन वांडा का जो घर है बहुत साफ सुथरा, उसका बैकयार्ड भी उसका घर भी, और वो साफ सुथरा यार्ड वो साफ सुथरा घर हालांकि शाबी है बिल्कुल, अस्त व्यस्त है बिल्कुल, मतलब कहीं प्लास्टर उखड़ा हुआ, घर का पूरा जो स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो दैट रिमाइंड्स देम ऑफ वांडास फेडेड ब्लू ड्रेस, ड्रेस भी पुरानी थी, उजड़ी हुई थी, कहीं कहीं से फेडेड थी वो, बट इट वॉज सो नीट एंड क्लीन, वैसा ही उसका घर है, दो शाबी बट वेरी नीट एंड क्लीन। ये खैर वो जाती है दरवाजा खटखटाती है, पीछे भी जाकर खटखटाती है, कोई जवाब नहीं मिलता, इट्स क्वाइट क्लियर दे आर गॉन, पेट्रॉन्स्की फैमिली इज गॉन। नाउ दे कम बैक डिसअपॉइंटेड, पेगी सेज नथिंग कैन बी डन नाउ, बट मैडी शी इज नॉट कंसोलेबल, उसको बहुत दुख है, एंड शी कम्स शी कीप्स थिंकिंग, वो सो नहीं पड़ सकती, सोचती है कि नाउ शी टेक्स अ रिजोल्व दैट शी वुड नेवर टॉलरेट सच थिंग्स नाउ ऑनवर्ड्स, इवन एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, चाहे पेगीज दोस्ती खत्म क्यों ना करनी पड़े, अगर किसी के खिलाफ बुलिंग की ऐसी घटना होती है शी वुड रेज हर वॉइस, शी विल जस्ट अपोज इट, थोड़ी शांति मिलती है किंतु अभी भी मन में चैन नहीं है, एंड शी डिसाइड्स टू राइट, एंड पेगी कहती है शायद, या फिर दोनों मिलकर लेटर लिखना चाहती है वांडा को, चाहती तो है, द लेटर शुड बी फुल ऑफ apology, saying sorry to her, but it becomes a friendly letter when in which they ask about her friend, new teacher, school, place and all those things, it becomes a letter which is generally written to good friends, अच्छे दोस्तों के पास लिखा गया पत्र हो जाता है ये। खैर उसके बाद दिन बीतते जाते हैं, मैडी अभी भी अपने आप को सांत्वना दे कंसोल करती रहती है, और इसके लिए वो मन ही मन भाषण देती रहती है इस चीज के खिलाफ, बुलिंग के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, अगेंस्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड्स, अगेंस्ट ऑल द बुलिंग्स एंड रैगिंग्स एंड टॉन्टिंग्स एंड जाइविंग, सच मीन बिहेवियर पैटर्न्स, शी कीप्स जस्ट डिलीवरिंग स्पीचेस इन हर माइंड, सोचती रहती कैसे इसको रोकेंगे, मना करेंगे, चिल्ला उठेंगे स्टॉप, शी फील्स अ बिट गुड, बट द डेज पास बाय, बहुत दिन बीत जाते हैं, लोग भूलने लगते हैं वांडा पेट्रॉन्स्की को, अपनी अपनी दुनिया में धीरे धीरे, समय एक ऐसा मरहम है, इज एन ऑइंटमेंट दैट हील्स ईच एंड एवरी वन ग्रेजुअली, और हर घाव भर जाता है फिर उससे, तो समय के इस मरहम से वांडा पेट्रॉन्स्की के एब्सेंस का या फिर उसके प्रति किए गए व्यवहार का जो घाव है धीरे धीरे भरने लगता है, लड़कियां उसे भूलने लगी है, जिंदगी वापस हसबे मामूल अपनी पटरी पर लौट आई है, स्कूल इज रनिंग नॉर्मली, गर्ल्स आर कमिंग attending their classes, doing the usual things, nobody remembers Wanda now, और फिर क्रिसमस का महीना आ जाता है, सेलिब्रेशन का महीना आ जाता है, खुशियों का महीना आ जाता है, जीसस क्रिस्ट के जन्म का महीना, the whole town is decked up, सजा हुआ है पूरा बाजार, क्रिसमस ट्री से, गिफ्ट से, this, that, lightings, बहुत सारी चीजें, और आज शायद आखिरी दिन है जब स्कूल बंद होने वाला है क्रिसमस की छुट्टियों के लिए, the girls are there, suddenly a letter comes from Wanda Petrowski, aur wo letter miss mason ke liye hai, miss mason use par ke sunati hai ki Wanda has written about her school, apne school ke bare mein ki wo us shahar mein hai, acche se hai, aur wo desire karti hai, wo ichha vyakt karti hai ki all those dress designs should be gifted to the girls of the class, kyunki uske paas naye 100 dress designs hai us shahar mein, uske closet mein उस वही तेवर है, वही गर्व है अपने आप पे, वही विजुअलाइजेशन है अभी भी उसका, ऑल डिफरेंट 100 ड्रेस डिजाइन शी हैज इन दैट क्लोजेट ओवर देयर, सो शी डजंट माइंड, इट शुड बी गिफ्टेड टू द गर्ल्स ऑफ द क्लास। गरीब स्थिति में रह के भी मन में गरीबी से ग्रस्त न होना, समृद्धि के सपने देखना एक बहुत बड़ी ताकत है, और ये ताकत हम वांडा पेट्रॉन्स्की में पाते हैं, और ये ताकत आदमी को अमीरी के नजदीक लाती है, वो तमाम पूरी दुनिया से समृद्धि को आकर्षित करता है, आप भी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज राइटर ने दिखाई है इस कहानी में वांडा पेट्रॉन्स्की के इस कैरेक्टरिस्टिक के माध्यम से। खैर उस दिन वो पत्र पढ़ के सुनाती है, वो कहती है कि मेरी नई टीचर आप जैसी नहीं है मिस मेसन,
और ये पेंटिंग्स लड़कियों को दे दी जाए गिफ्ट में। एंड शी वॉन्ट्स की जो द गॉर्जियस ग्रीन ड्रेस, जो शानदार ग्रीन ड्रेस, दैट शुड बी गिवेन टू पेगी, एंड दैट ब्यूटिफुल ब्लू ड्रेस विथ ऑल दोज ट्रिमिंग शुड बी गिवेन टू मैडलिन और मैटी, सो दैट द गर्ल्स आर हैप्पी दैट परहैप्स वंडा हैज फॉरगॉटन ऑल एवरीथिंग एंड शी हैज फॉरगिवन देम, उनको माफ कर दिया उसने, सब भूल चुकी है वो। And that afternoon, the girls, very carefully holding their gifts, those exquisite dress designs, they come back home. Maddie के मन में अभी भी फांस है, वो दर्द है कि in person she couldn't meet and reconcile, वो निपटारा नहीं कर पाई मामलों का, साथ मिलके खत्म नहीं कर पाई सब कुछ, इस बात का अफसोस है उसे। So what does she do? She goes and just hangs that exquisite dress design that was gifted to her on one patch, torn patch of that pink wallpaper on one of the walls of the bedroom. और वो बिस्तर पे बैठ के उस पिक्चर को देख रही, इतने चटक खूबसूरत रह, इतना खूबसूरत डिजाइन, मन दुखी है। और तभी वो गौर से उस चेहरे को, उस लड़की के चेहरे को देखती है जिसे उस ड्रेस को पहने हुए दिखाया गया है, एंड शी इज फिल्ड विद सरप्राइज टू फाइंड, उसको एकदम घोर आश्चर्य होता है कि वो लड़की कोई और नहीं है तो उस मैडी की पोर्ट्रेट ही है। इट मीन्स वो ड्रेस स्पेशली मैडी को ध्यान में रख के वो उन्होंने डिजाइन किया है। और उसके मन में अजीब सी लहरें उठती है खुशी की, प्रसन्नता की, एक्साइटमेंट की, एंड शी रन्स बैक टू पेगी, उसके घर में जाती है कि कम एंड शो मी योर ड्रेस। एंड पेगी व्हेन शोज एंड मैडी लुक्स एट इट, शी सीज दैट द गर्ल हु इज वेयरिंग दैट पर्टिकुलर ड्रेस विच वॉज गिफ्टेड टू पेगी, पेगी को जो तोहफे में जो डिजाइन, ड्रेस डिजाइन मिला था, उसको पहने हुए जिस लड़की की तस्वीर है वो कोई और नहीं, दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ पेगी हरसेल्फ। और ये बहुत बड़ी बात है। और पेगी का कमेंट आता है कि मैंने कहा था ना कि शी एडमायर्ड अस, कहीं ना कहीं वो अपनी ही दुनिया में मस्त है। वो अमीरों के मन में एक चीज चलती रहती है कि वी आर द सुपर स्टार्स, दे माइट नॉट बी बट दे हैव दीज फीलिंग्स, दैट्स गुड, दैट शुड बी देयर, बट इवन पुअर पीपल शुड नॉट बी फुल ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस, बट दैट कम्स, वो आ जाती है वो चीज। खैर, लेकिन अभी भी मैडी दुखी है। एंड कहानी की अंत कैसे होती है, फिर हम कम बैक टू द थीम ऑफ सोशल आइसोलेशन। मैडी बहुत दुखी होके विद टीयरफुल आईज, आंसू भरी आंखों से याद करती है उन दिनों को जब वांडा पेट्रॉन्स की सैड इट्स स्टैंडिंग अगेंस्ट दैट आईवी कलर्ड वॉल, उस हरे रंग की दीवार के, पत्ते के रंग की दीवार के सामने खड़े होके, यूज टू be so alone, so cut off, but so stoically, itni dheeraj se, itne shandar tarike se, used to face those bullies, un bully ladkiyon ko face karti thi bahaduri ke sath, lekin uska jo chehra hota tha, jo akelapan hota tha, jo asahay se dikhti thi wo, usko dekh ke abhi bhi uski aankhon mein aansu hai Maddie ki, aur usko yaad karti hai Vanda ko, yahi pe kahani khatam ho jati hai, bahut sare sawal chhod jati hai hamare liye। This is a modern story, इसमें हम proper, there not a proper ending, proper अंत नहीं होता, लेकिन आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं, और एक महत्वपूर्ण बिंदु पे पहुंच के कहानी खत्म होती है। It raises a question on the social discrimination, so many bad things running in the society, the hypocrite people, the hypocrite state they are living in, of straight up mind. ये सब चीजें इस कहानी में बहुत अच्छे शानदार अंदाज दिखाई गई हैं। और इतनी सारी थीमें आपने देखी, क्वालिटी की, रिमोर्स की, पछतावा जो मैडी के मन में हर जगह, उसे माफी न मांग पाने का, मिल के निपटा नहीं पाने का, कहीं ना कहीं पेगी के मन में भी है रिकॉन्सिलिएशन, मिल मिलाप करने का, मेल मिलाप करने का, निपटारा करने का, वो पॉवर्टी, गरीबी, बुलिंग, सोशल आइसोलेशन, ये सारे थीम साथ साथ चलते हैं और बहुत ही मजेदार ढंग से चलते हैं। कैरेक्टर्स शानदार है। वांडा पेट्रॉन्स्की की बात करें, शी इज अ रेयर कैरेक्टर, आई एम फैन ऑफ दैट कैरेक्टर, सो मेनी क्वालिटी शी हैज, द गर्ल इज वेरी वेरी पुअर, इतनी गरीब है वो, और उसके मन में कॉम्प्लेक्स नहीं है, शी थिंक्स ऑफ वेल्थ, दोज 100 ड्रेसेस इन हर क्लोज़ेट, जस्ट थिंक व्हाट अ सिचुएशन, किसी की हिम्मत नहीं होगी सोचने की, बट वांडा थिंक्स, वो गरीबी में रह के भी गरीबी से बहुत बुरी तरह प्रभावित नहीं है, हालांकि थोड़ा प्रभावित तो होना ही है, नेचुरल, she feels cut off from the whole class because she doesn't have the weight she should have because of her financial status. Dusri cheez, she is very courageous, jis boldness ke sath wo un bullies ko face karti hai, un ladkiyon ko,
उनके जवाब देती है, हार नहीं मानती, सरेंडर नहीं करती, keeps repeating her stand to them. Yes, I have got those 100 dresses, beautiful ones, all lined up in my closet. 60 pairs of shoes, 70 hats. Oh, what is this? This shows she is very courageous. And she has got that large heart, that great heart also. She easily forgives the girls, gifts them her dresses or dress designs. जबकि वो जानती है कि वो लड़कियों ने किस तरह उसे तंग किया था. दिस शोज कि कितना बड़ा दिल है उसका. तो व्हेन यू राइट अबाउट कैरेक्टर्स, डोंट गो आफ्टर द सर्कमस्टेंसेस और द थिंग्स व्हिच आर अराउंड देम, जस्ट गो आफ्टर देयर कैरेक्टर, फोकस अपॉन दैट, देयर इनर टेंडेंसीज, देयर मेरिट्स, डिमेरिट्स दैट मेक देम इन टोटैलिटी. वैसे ही अगर पेगी के कैरेक्टर की बात करें, शी इज द सम टोटल ऑफ मोर एविल देन गुडनेस. उसके चरित्र में अच्छाइयां कम बुराइयां ज्यादा है. शी नोज दैट शी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट शी वॉन्ट्स टू पनिश हर फॉर नो रीजन, जस्ट फॉर वन स्टेटमेंट ऑफ दैट गर्ल दैट शी गिव, नॉट विद एन इंटेंशन टू हर्ट पेगी, बट पेगी को लगता है मैं अमीर हूं, मुझे ही अधिकार है इन सब चीजों के बारे में बोलने का, ड्रेस डिजाइन को शो ऑफ करने का. दिस पुअर गर्ल, हाउ डिड शी, हिम्मत कैसे हुई क्लेम करने की, 100 ड्रेसेस हैं, 60 पेयर्स ऑफ शूज है, किसी के पास नहीं होते, झूठ क्यों बोलती है, इसको सजा मिलनी चाहिए. शी डजंट रियलाइज दैट शी इज डूइंग रॉन्ग टू वांडा. विचित्र कहानी है उसकी, बाद में उसको एहसास होता है उसकी प्रतिभा को देख के, जब वो चकाचौंध हो जाती है. द थर्ड कैरेक्टर इंपॉर्टेंट वन इज मैडी, मैडलिन, पेगी'स फ्रेंड. शी इज वेरी गुड एट हर्ट, वेरी प्योर, एंड शी डजंट लाइक वट पेगी इज डूइंग टू हर. She wants to stop Peggy, writes the note even, but doesn't have the courage to give it to her. साहस नहीं है दे सके उसको वो note. क्यों? उसको लगता है कि वो गरीब है. She could be targeted the next. वो उसको अगली बार उसको target किया जा सकता है. She also wears the hand-me-down dresses. वो duplicate dresses या वो second-hand dresses वो खुद भी पहनती है. उसमें कई Peggy की भी हैं. उसकी माँ उसे छिपा के इस तरह सिल देती है कि उसे पता नहीं चलता लोगों को. But still she feels कि there is the danger. It could be found out. वो target बन जाएगी लड़कियों की, Peggy की. It doesn't have the courage to say all that to Peggy, to stop her. Note फार के फेंकती है. तो उसके अंदर बीच में एक नेगेटिव चीज आती है, timidity, डरपोक होना. और बाद में वो इससे उबर जाती है, Wiggins Heights जाती है, letters लिखती है, and एक संकल्प देती है, takes a resolution कि she would never let it happen. After this, never anybody be the victim of this bullying. और बार बार खुद को कंसोल करती रहती है, भाषण देती रहती है, कैसे she would prevent that situation if it happens in future. तो she is very good at heart, pure, good, kind, doesn't like whatever is going in this school campus. जितनी बुरी चीजें हो रही है like नहीं करती उसको, but doesn't have the courage. ये उसका negative point है. But again she comes out of it and she takes a step to compensate for that. तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट किरदार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, वांडा, दूसरी पेगी और तीसरी मैटी. ओके, इसमें वांडा इज अ ग्रेट कैरेक्टर, पेगी शी इज मोर विकेड देन गुड, मैटी इज गुड दो शी इज टिमिड, बट शी ओवरकम्स इट एंड कम्स आउट एज अ वेरी गुड गर्ल. शी इज रियली रिमोर्सफुल अबाउट वांडा बीइंग बुलीड लाइक दैट. तो दिस इज द स्टोरी, आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छी कहानी है. और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें. आप तक सारी वीडियोस जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों पहुंचती रहेंगी. और हम उम्मीद करते हैं आपको इन चैप्टर्स को, जो चैप्टर्स हम आपके सामने रखेंगे, उनको समझने में बहुत सहायता मिलेगी, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे. और हम भी यही शुभकामनाएं करते हैं. थैंक यू.